पश्चिम बंगाल के संदेश काले में जो हुआ उसने देश भर में लोगों को गुस्से में ला दिया। कोलकाता से एक अपडेट आप जान लीजिए। शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी आज हो रही है। सीबीआई ने बहिरहाट कोर्ट में पेश किया है। यहां आप शाहजहां शेख की रिमांड और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश सीबीआई करने वाली है। केस का मास्टरमाइंड भी है शाहजहां शेख, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है वो ईडी के अधिकारियों पर हमला मामले से जुड़ी हुई है। इसके अलावा और कई आरोप हैं जिनको लेकर अलग अलग केसेस, 40 से ज्यादा केसेस शाहजहां शेख के खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं। मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं। सीबीआई की कस्टडी में रहकर कई सवालों के जवाब सीबीआई ने जानने की कोशिश की है। 55 से 56 दिन लग गए गिरफ्तारी में और लगातार बीजेपी ये कह रही है कि ममता सरकार प्रोटेक्ट कर रही है शाहजहां शेख को। इस तरह के आरोप झेलते हुए टीएमसी सफाई बार बार देती रही, लेकिन 55 दिन बाद तब जाकर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई और अब सीबीआई ने बशीरहाट कोर्ट में पेश किया है शाहजहां शेख को। संदेश खाली केस का मास्टरमाइंड भी संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख बताया जा रहा है। रैनिक दत्ता ज्यादा अपडेट इस खबर को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रौनिक, अभी क्या अपडेट है? सीबीआई बशीरहाट कोर्ट में लेकर गई है, आगे कितने दिन की कस्टडी और चाहती है? एकदम, देखिए सीबीआई की तरफ से आज बशीरहाट कोर्ट में शेख शाहजहां को पेश किया गया है। सीबीआई की तरफ से मांग किया जाएगा कि शेख शाहजहां को फिर से कस्टडी में दिया जाए। जो केस में 10 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया था उस एफआईआर में और 4 दिन का पुलिस सीबीआई कस्टडी का मांग सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। और नया एक एफआईआर सीबीआई की तरफ से दायर किया गया है शेख शाहजहां के खिलाफ में, उसको भी आज कोर्ट में अपील किया जाएगा कि उस केस में शून अरेस्ट का मांग भी सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। बशीरहाट कोर्ट की तरफ से इसके पहले 10 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया था, अभी भी 4 दिन का पुलिस रिमांड ले सकता है सीबीआई, ऐसा ही खबर आ रहा है। और दूसरी तरफ सीबीआई चाहते हैं कि शेख शाहजहां को नया जो एफआईआर है, नया एफआईआर में फुल टाइम कस्टडी का मांग भी सीबीआई की तरफ से किया जा सकता है। और सीबीआई ये भी अपील करेंगे कि जो 10 दिन का रिमांड था वो 10 दिन में मैक्सिमम बेस ही सीआईडी हिरासत में था शेख शाहजहां, और इसी वजह से इंट्रोगेशन में दिक्कत हुआ था, इंट्रोगेशन सही तरीके से नहीं कंप्लीट हो पाया और इसी वजह से वो लोग फिर से सीबीआई रिमांड का मांग सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए सीबीआई के जो इंट्रोगेशन में जो जो चीज सामने आया है, शेख शाहजहां के जो दो मोबाइल फोन, दो नंबर से जो कॉल किया गया था, कॉल डिटेल्स जो हाथ लगाया है सीबीआई का, वो इंफॉर्मेशन भी सामने रखते हुए प्रभावशाली तकमा भी आज सीबीआई की तरफ से बोला जा सकता है। और उसके साथ साथ ही शेख शाहजहां का जो संपत्ति का परिमाण, शेख शाहजहां का जो पूरा ये 55 दिन फरार रहना, ये बात रौनिक, इन 55 दिनों में कहां कहां शरण ली थी, किस किस ने बचाने की कोशिश की थी, कहां कहां ठिकाने बदले थे, किस किस के कॉन्टेक्ट में रहा शाहजहां शेख, ये सब कुछ फोन से मिला और कई ऐसी जानकारियां हैं, बड़े खुलासे हैं जो सीबीआई की टीम से हो सकता है आने वाले समय में किए जाए। मोबाइल फोन ऐसी चीज है जिससे किसी भी इंसान के बारे में बहुत सी जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं, इनफैक्ट बेहद ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ सकती हैं। आज सीबीआई कोर्ट में ये कह रही है कि भाई और दिन की रिमांड हमें चाहिए ताकि और भी कुछ सवालों के जवाब मिल सकें, लेकिन जो फोन से डिटेल मिली है क्या उसके आधार पर कुछ और लोग भी नप सकते हैं? एकदम, देखिए सीबीआई का सूत्र मार्फत जो खबर आ रहा है कि शेख शाहजहां के मोबाइल फोन से बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर के साथ बात किया गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हमले के घटना के टाइम पे जो 2 घंटा था, उस 2 घंटे के बीच में टोटल 21 फोन कॉल किया गया था शेख शाहजहां के 2 मोबाइल फोन से। उसमें से 2-3 फोन कॉल ऐसा था कि टीएमसी का जो लीडर, जो एमएलए है, एमपीज है, और उनके साथ भी बात किया गया था शेख शाहजहां की तरफ से, ऐसा सीबीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है। और इसी वजह से शेख शाहजहां को फिर से कस्टडी में लेके वो पूछताछ करना चाहते थे कि ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमला हुआ था उसी टाइम में किस तरीके का बातचीत हुआ था इन दोनों के बीच, किस तरीके का बातचीत हुआ था, जो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ फोन में बात किए थे वो कोई इंफॉर्मेशन उनको दिया था कि नहीं, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमला किया गया था इसमें कोई बड़ा साजिश था कि नहीं, इस बारे में भी जांच सीबीआई की तरफ से करने के लिए आज बशीरहाट कोर्ट में अपील किया जाएगा कि फिर से शेख शाहजहां को वो लोग कस्टडी में लेना चाहते हैं और इंट्रोगेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन उन लोगों का हाथ लगा है। कुछ दिन पहले ही देखा गया था सीबीआई की तरफ से शेख शाहजहां के घर, मार्केट और शेख शाहजहां के जो ऑफिस, उसमें भी छापामारी किया गया था। उसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगा है सीबीआई ऑफिशियल्स को, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को देकर 3D स्कैनिंग भी किया गया था, वो इंफॉर्मेशन भी आज कोर्ट में बोल सकता है सीबीआई। और भी इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए शेख शाहजहां को सीबीआई देना चाहिए, और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से ये भी मांग किया जाए
जो एफआईआर है उस एफआईआर में फुल टर्म कस्टडी यानी 14 दिन का पुलिस सीबीआई कस्टडी का एप्लीकेशन जो है 14 दिन की कस्टडी सीबीआई की तरफ से मांगी गई है। कोर्ट का कि क्या रुख रहता है, क्योंकि सिर्फ ईडी के अधिकारियों पर हमले की ही घटना नहीं बल्कि अलग अलग जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की घटनाएं हैं और संदेश खाली की जो घटना है उसमें मास्टरमाइंड के तौर पर शाहजहां शेख को रखा गया है। और अब सीबीआई कह रही है कुछ और दिन की रिमांड, 14 दिन की डिमांड की गई है रिमांड की, ताकि बातचीत हो सके, सवाल हो सके और पूरा सच सामने आ सके। बहुत शुक्रिया आपका रौनक अपडेट अब तक का पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ कोर्ट पर नजर आप रखिएगा, 14 दिन की रिमांड मांगी गई है, कोर्ट कितने दिन की अप्रूव करती है, आगे जो अपडेट होगा रौनक के जरिए आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे।